यह वीडियो गांव की दादा नानी के द्वारा सुनाई गई किस्सा कहानी संग्रह किया गया है। यदि किसी से मेल होता है यह संयोग मात्र होगा। चैनल में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद। तो भैया दमान को फिर लाए मस्त, उसको फिर बढ़िया उसको बता के एक नंबर से उसको फिर बैठा के खाना पीना खिला के उसको फिर पूछे कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया। मान लो पेट दर्द था तुम्हारा, ठीक है, लेकिन तुमने उस पर सिलौटी क्यों पटक दिया। तो फिर उसने बताया अपनी कहानी, फिर हो गए बोले ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो फिर उसको विदा करते हैं, खाना पीना बकायदे खिला के बढ़िया बबरा बनाते हैं, गुजिया बनाते हैं और जो जो रहता है बढ़िया खीर पूड़ी सब खिलाते हैं उसको। अब पूड़ी खिलाने के बाद अब वो चलता है तो वो कहता है ये चीज़ मैं अपने घर में बनवाऊँगा, इसलिए वो दिमाग में रखता है कि बबरा बबरा कहते चलता है वो। जब बबरा बबरा कहते चलता है तो रास्ते में चलते चलते एक नदी मिलती है। अब एक नदी मिलती है तो उस नदी में उसने जैसे नदी को पार किया, मतलब उस तरफ गया, तो उसको भूल गया जो बबरा बबरा कह रहा था। तो उसने कहा पत्नी तुम यहाँ बैठो मैं कुछ चीज़ ढूंढ के लाता हूँ। अब वो नदी के पानी में घुस के ढूंढने लगा, बबरा बबरा उसके दिमाग को नहीं आ रहा था, ढूंढ रहा है। तभी एक व्यक्ति आया, एक व्यक्ति आया और उसने कहा भाई तुम क्या ढूंढ रहे हो यार। तो बोला यार मेरा कुछ सामान गुम गया ढूंढवा दो। तो वो भी ढूंढने लगा। अब दोनों पानी के अंदर ढूंढ रहे हैं पानी के अंदर। अब पानी के अंदर ढूंढते ढूंढते क्या हुआ कि वो जो सोला है उसने गैस निकाल दिया, थोड़ा छोड़ा, तो जो उसके साथ में ढूंढा रहा था उसने कहा भाई तुम क्या खाए हो, बबरा जैसे गंध आ रहा है। तो बोलता बस भैया बबरा ही गुम गया था मेरा और वहाँ से चल दिए। तो बोलता अरे यार ये तो पागल है, मेरा टाइम बर्बाद किया, बड़ा बबरा के चक्कर में कहाँ फंस गया मैं। फिर वहाँ से चल दिए उन दोनों। अब चलते 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 एक आम का बहुत बड़ा पेड़ मिला, उस समय आम भी उसमें लगा हुआ था बढ़िया। तो वहीं बैठ के थोड़ा इंतज़ार किए, बोले चलो आम चूसा जाए। तो उसने आम चूसा, फिर से भूल गया। अब फिर ढूंढने लगा, पेड़ में चढ़ रहा था, कहीं चढ़कर ढूंढता, कहीं नीचे ढूंढता, कहीं कुछ ढूंढता। तभी एक आदमी फिर आया, बोलता भाई क्या परेशान हो और जब से ढूंढ रहे हो। तो बोल रहा अरे भैया क्या बताएं, वो मेरा कुछ गुम गया है। तो बोलता ठीक है मैं भी ढूंढाता हूँ। तो भी ढूंढाने लगा बेचारा। अब ढूंढाते ढूंढाते उसने फिर एक आम गिरा, बहुत बढ़िया आम था। बोलता अरे बहुत बढ़िया आम है, बबरा जैसे दिख रहा है। बोलता भाई भैया यही ढूंढ रहा था, बबरा बबरा ही ढूंढ रहा था। अब वहाँ से वो आदमी सोचा रही तो कौन से पागल से मेरा समय बर्बाद कर दे। बोल रहे यही भाई नहीं बोल सकता था मेरा समय बर्बाद किया हो। तो हो गया, फिर चल दिए। अब दोनों पति पत्नी घर पहुँच गए। अब घर में दो दिन तीन दिन बाद बोलता है वही बनाओ जो मायके में बनाई थी। तब बोले जो वही बनाओ जो मायके में बनाई थी। अब बोल पत्नी बोले मुझे क्या मालूम क्या बनाई थी, मैं बताओ जल्दी। एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, तीन दिन हो गया। अब फिर वही बोला भाई बना जो मैकिंग बनाया था। अब उसको गुस्सा आ गया तो पत्नी को दो तीन लठ जैसे किया हो मारा हो, तो फूल गया। तब सवेरे पंचायत जुड़वा दिए कि भाई मारता है तो भाई फैसला किया जाए। तो पंचायत जुड़वा दिए। अब पंचायत वाले बोले यार तुम इतना मारे हो सोला कि इसका पूरा बबरा जैसे फूल गया है। बोलता हाँ बस 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 मैं बबरा ही बनाने के लिए बोल रहा था। तभी उसकी पत्नी बोलती है साहब मैं 10 बार पूछी मेरे नहीं बताया। और तभी उसके पिताजी उठाए दो तीन तमाचा उसको जड़ दिए सोला को। अब सोला है खरब 17 हो गया और अब उसका जक्कल भी खुल गया। फिर जक्कल खुलने के बाद फिर आराम से रहने लगे और यहीं पर किस्सा जो होता है अब समाप्त होता है। नमस्ते। अच्छी लगी हो तो भैया सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। नमस्कार।